उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने चौथे फ्रंट समेत नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब का सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी सिद्धू की आवाजें पंजाब को निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। चौथे फ्रंट के जरिए पंजाब की सियासत में ताल ठोकने की तैयारी में नवजोत सिंह सिद्धू पर अब चौतरफा सियासी हमले हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के मुताबिक नवजोत सिंह प्रदेश के सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और जब बात आपके साथ नहीं बनी तो अब चौथा मोर्चा बना रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल भी सिद्धू की सियासी ख्वाहिशों पर निशाना लगाते नजर आए और कांग्रेस का कहना है कि हर दर से नकारे जाने के बाद अब सिद्धू ने अपना मोर्चा बना लिया है। 15 दिन पहले आई सिद्धू फैमिली बड़ी तरीफा कर दी, आप वर्गी पार्टी नहीं, आप वर्गी पार्टी नहीं, ते हुण आप तो माड़ी पार्टी नहीं, सारे दे आर ऑपोर्चुनिस्ट। निशाना एक ही है कि किवें ना किवें ग्रह पावर। पहले भी कई बार बयान दते भी उन्होंने अपने पुनर्विचार करना चाहिए, पर मेरा तजर्बा इन्ने साल यह है कि जिहड़ा बंदा बीजेपी नूं छड के गया कोई अगे काम नहीं। आम आदमी पार्टी नाल मैच फिक्सिंग की थी, अपनी घरवाली नूं बुला के उन्हां नाल मीटिंगां कीतियां, फिर उन्होंने भी फेस नहीं डिकलेयर किया। फिर कांग्रेस ने भी कुछ दिन पिंगा पईआं, कांग्रेस ने भी फेस डिकलेयर नहीं किया, फिर उन्होंने अपना फेस आपे डिकलेयर कर लिया। तो हुण लोग समझणगे कि ये किहदे नाल किहदी मैच फिक्सिंग हो रही है, ये लोग उहदा जवाब देणगे। नवजोत सिंह सिद्धू के चौथे फ्रंट को सियासी पार्टी की शक्ल अख्तियार करने में बेशक अभी कोई ऐलान नहीं हुआ, पर सियासी पार्टियों ने सिद्धू को घेरा डालना शुरू कर दिया है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।